नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तन मन धन में। दोस्तों, फलों का जूस हमारी सेहत के लिए हर मायने में फायदेमंद होता है। नोनी भी एक ऐसा ही फल है जिसका जूस स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नोनी जूस के बारे में लोगों को कम ही पता है और आज भी ऐसे लोग हैं जो इस जूस के बारे में नहीं जानते। अगर आपको इस जूस के बारे में पहले से पता है या फिर आप इस जूस का सेवन करते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज मेरे पास है वेल नोनी जूस। ये मोती केयर ब्रांड का एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी दूसरे ब्रांड के अच्छी क्वालिटी के नोनी जूस आपको मिल जाते हैं। उन सभी ब्रांड्स का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू आप इन सभी ब्रांड्स को डिस्काउंट के साथ परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नोनी जूस के फ़ायदों के बारे में। मेरे पास है ये बोतल जो लगभग आधी से ज़्यादा खाली हो चुकी है। ये देखिए आप, ये 1 लीटर का पैक होता है। दोस्तों, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है अगर हम इस नोनी जूस का सेवन करेंगे, इसी टॉपिक को लेकर आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, नोनी जूस में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इस जूस को पीने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और शरीर के अंदर कई बीमारियों से लड़ने की ताकत आ जाती है। अगर आप इस जूस को डेली पीते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है और तनाव खत्म हो जाता है। इसके अलावा आजकल यूरिक एसिड की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण जोड़ों में गंभीर दर्द की शिकायत हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी ये नोनी जूस आपके बहुत काम आने वाला है। ये यूरिक एसिड को घटाने वाला है और जोड़ों में दर्द के जोखिम को भी ये कम कर देता है। इस जूस के असर से सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे वायरल रोग शरीर से दूर ही रहते हैं। और इस जूस में विटामिन सी और सेलेनियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। दिल की सेहत के लिए भी नोनी का जूस वरदान है। ये जूस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला है। लीवर फंक्शन में अगर किसी भी तरह की शिकायत हो गई है, कुछ समस्या है, अगर आप लीवर फंक्शन को हेल्थी रखना चाहते हैं तो ये नोनी का जूस पीना आज से ही शुरू कर दें। इस जूस से पेट हल्का फुल्का रहता है, गैस नहीं बनती, पाचन तंत्र को भी ये मजबूत बनाने वाला है। इस एक जूस से हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इस जूस को सुबह खाली पेट लेना होता है और आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना। पहले दिन जब आप ये जूस स्टार्ट करेंगे तो आपको सिर्फ 5 ml ही लेना होता है। और यहाँ पे ये देखिए बताया भी गया है क्वांटिटी, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी। और उस जूस को आप लगातार 6 महीने से 12 महीने तक ले सकते हैं और 2 से 3 महीने कम से कम लगते हैं जूस के असर होने में आपके बॉडी में, आपको तब पता चलेगा। अगर आप 15-20 दिन सेवन करेंगे तो इसको आपको ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा, इसके लिए आपको इसे 2 से 3 महीने तक लेना पड़ेगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।